सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात यह है, जो आज हम लोग का एमएलए साहब चकलिया का विधायक, वो जो डेपुटेशन दिए हैं आप लोगों से जरिया जो पता चला, और कुछ दिन से वो माइकिंग भी कर रहे हैं गांव गांव में जाके, वो लोग अपना मीटिंग भी किए हैं खुद एमएलए साहब जा जाके। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो लिस्ट, ये लिस्ट लेकिन फाइनल लिस्ट नहीं है, हम आपको बता दें, ये लिस्ट जो है फाइनल नहीं है अभी, ये आधार लिंक लिस्ट है, इसमें आधार लिंक किया जाएगा, और आधार लिंक करने के बाद देखा जाएगा किसका नाम यहाँ पर फाइनल लिस्ट में आ रहा है, उसके बाद जो है बता पाएंगे जो कौन है और कौन नहीं है इसमें लिस्ट में। तो बहरहाल जो बोले वो जो धांधली हो रहा है, तो धांधली क्या चीज़ है हम लोग को पता नहीं, हम लोग टीएमसी वाले धांधली हम लोग नहीं करते हैं। ममता बनर्जी जो कहती है वो काम हम लोग देखते हैं, पश्चिम बंगाल में जो वादा करते हैं वो निभाती है। टीएमसी पार्टी कभी भी किसी को धोखा में रख के काम नहीं करते हैं, जो भी डंके के चोट पे करते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों का ये एमएलए साहब विक्टर साहब कुछ आदमी को लेके, चकलिया का आदमी, हम लोग भोला भाला आदमी है, इन लोगों को सिखा पढ़ा के एक डेपुटेशन दिया था, लाठी और झाड़ू हाथ में लेके वीडियो साहब को घेराव करना होगा, और जिसका उम्र 60 साल हो गया है यानी बूढ़ा, ओल्ड एज पेंशन करने के लिए वो एक डेपुटेशन का इंतजाम किया था, और बोले थे वो जो अपने अपने हाथ में वो वोटर कार्ड लेके आइए, हम वहीं बैठ के वीडियो साहब से करवा लेंगे आप लोगों का पेंशन। लेकिन क्या हुआ, एक भी आदमी का वो करा पाए? नहीं करा पाए। लेकिन हम लोग का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब देखे, हम लोग दीदी के बोले एक प्रोग्राम हम लोग चला रहे थे, उस प्रोग्राम में हम लोग जाके गांव गांव में जाके प्रोग्राम जब किए, वहां पर पता चला गांव में जाके जो असल में जो बुरा आदमी है उनको जो है पेंशन देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका जो कम से कम दवाई खर्च हो या और छोटा सा छोटा काम, वो पेंशन का रुपया अगर 1000 रुपया करके मिलता है तो काम कर लेंगे। ये रिपोर्ट हम लोग दीदी के बोलो के माध्यम से हम लोग कलकत्ता भेजे थे। तब दीदी वहां पर क्या किए, हम लोग का मुख्यमंत्री क्या किए, रातों रात फिनांस मंत्रालय को लेकर बैठ के वो क्या स्कीम एक निकाले, जय बांग्ला जय जौहर, जिसके तहत एससी और एसटी जितने भी 60 साल के उम्र के आदमी थे सबको जो है वो पेंशन मिल रहा है। यानी धंधली टीएमसी पार्टी नहीं कर रहे हैं, आवाम को फुसला के बहला के डेपुटेशन दे दे, ये धंधली हुआ। ममता बनर्जी जो कहती है वो करती है, हम लोग देखते हैं। आज देखिए पश्चिम बंगाल में 34 साल बहमाज का सरकार रहा, तब का दिन और आज का देखिए, आज राशन नाम से जो गरीब बोले या जिसके पास भी डिजिटल कार्ड है या जो भी राशन कार्ड है सबको जो है फ्री में मुफ्त में राशन मिल रहा है, ये कोई गवर्नमेंट क्या दे रहा है? हिंदुस्तान में और भी सीएम है, और भी मुख्यमंत्री है, और भी स्टेट में है, ऐसा है क्या? नहीं है। इसीलिए टीएमसी पार्टी धांधली नहीं करते हैं, ये टीएमसी पार्टी जो वादा करते हैं पब्लिक से वो निभाते हैं। और आज जो डेपुटेशन दिए यहां पर, हम आपका चैनल के माध्यम से जाना बोलना चाहते हैं, जो 24 अगस्त को हम लोग भी सोचे थे बहुत गरीब आदमी का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, इसके लिए हम लोग मंथन के मीटिंग किए, सभापति मैडम हम लोग का थी, हम लोग का पंचायत समिति दोनों नेता जमील साहब वो भी थे, हम लोग का पंचायत समिति को मुन्ना मामा शेताबुद्दीन वो भी थे, हम लोग बैठ के पहले जाहिद आरजू साहेब, सिद्दीकी साहेब, नारायण दा, गनी साहेब, भोला दा, मतलब टीएमसी पार्टी के जो नेता है हम लोग बैठ के तो किए, जो कैसे क्या किया जाए, बहुत गरीब आदमी बात पर गया है लिस्ट में, उन लोगों को कैसे जोड़ा जाए, हम लोग बैठ के आपस में पार्टी में हम लोग आलोचना किए। करने के बाद हम लोग सोचे जो बीडीओ साहब के पास जाके बैठे, उनके पास कोई ऐसा ये है कि नहीं, उनके पास जाके बैठने के बाद वो बोले जो देखिए मेरे पास एक चिट्ठी आया है, वो चिट्ठी दिखाया, 1,40,00,000 आदमी का नाम आधार लिंक किया हुआ है ऑलरेडी, कितना 1,40,00,000 आधार लिंक किया हुआ है, और ये आधार लिंक होगा, हम लोग का ब्लॉक में 36,200 आदमी का नाम आया है,
ये, लेकिन फाइनल ये आधा लिंक होने के बाद कितना टोटल मिला के कितना होता है उसके बाद बता पाएंगे हम लोग, जो कितना हम लोग ग्वाल पॉइंट टू में पीएमवाई का फैसिलिटीज पाएंगे बेनिफिशियरी लोग, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, बीडीओ साहब को पूछे जो जो बात पर गया उसका क्या होगा, तो बोले जो वो मेरा हाथ में नहीं है, वो मेरा मतलब कैपेसिटी से बाहर है, हम वो लिस्ट नहीं करा पाएंगे ना हम कोई सर्वे करा पाएंगे। तब हम लोग क्या किए, वहीं से उठ के हम लोग चले गए इस्लामपुर, हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्हैयालाल अग्रवाल जी के पास गए, उसके पास मंत्री जी के पास गए, गुलाम रब्बानी साहब के पास गए, जाके वहां से डीएम से बात करें। उन लोग बात करने के बाद डीएम साहब एक बात बताएं, जिस संसद में मान लीजिए एक संसद में मान लीजिए जो तीन चार गांव है, किसी पारा किसी मोहल्ला अगर टोटली छूट गया है, उसका हम लोग जो है एप्लीकेशन करेंगे, करके वो वीआरपी जो वहां पर सर्वे किया था, वीआरपी लोग सर्वे किए थे, विलेज रिसोर्स पर्सन वो सर्वे कर किए थे, किस कारण से वो बाद पड़ा, वहां सर्वे तो नहीं हुआ, वो वीआरपी से जो है रिटर्न लिया जाएगा, जो उसका एप्स काम नहीं कर रहा था, ना उसका मोबाइल खराब था, ना क्या था, किस कारण से वो टेक्निकली क्या मिस्टेक था वो लिख के देंगे, जो मेरा ये टेक्निकल मिस्टेक के कारण हम वहां सर्वे नहीं कर पाए, वो उसका एक रिटर्न होगा, बीडीओ साहब के पास जमा होगा, उसके बाद वो फ्रॉडिंग करके डीएम साहब को देंगे, डीएम साहब तब हम लोग का स्टेट भेजेंगे। और ये जो है पीएमएवाई, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसमें, दोनों 60-40% रेशियो का। तो एक गवर्नमेंट नहीं चाहने से भी नहीं होगा, सेंट्रल को भी मनाना पड़ेगा, तो ये लंबा एक काम है। तो बहरहाल हम लोग लेकिन आवाज उठा रहे हैं, किस तरह से जिस काम जिस तरह से होगा उसी तरह से, ये नहीं जो 10 आदमी को इकट्ठा करके हम लोग डेपुटेशन दे, नहीं भाई हम बोलते हैं, मेरा सवाल एमएलए साहब से है, आपको हम लोग का चकले अवाम जो चुन के भेजे हैं विधायक का रूप से, आप ये आवाज विधानसभा में उठाइए ना भाई, विधानसभा में बोले वहां जो मेरा ग्वालपुर टू मेरा विधानसभा हल्का में इतना गरीब आदमी का नाम बात पर गया, दोबारा उनको कैसे इस लिस्ट में लाया जाए, दोबारा कैसे सर्वे किया जाए, ये वहां जाके हल्ला करें ना। 24 तारीख को, और एक बात बोल दें आपको, हम 24 अगस्त को जो मीटिंग हुई बीडीओ साहब से बात करके, हम लोग नेता लोगों ने बैठ के फैसला किया, जो आप लोग एक जनरल मीटिंग बुलाइए पंचायत समिति का, क्या जनरल मीटिंग बुलाइए, उसमें आप लोग रेजोल्यूशन लीजिए, रेजोल्यूशन लेके आप लोग भी भेजिए, हम लोग ये करके मीटिंग भी हुआ था, उस मीटिंग में आपका ये एमएलए साहब भी मेंबर है, एक्स ऑफिशियल मेंबर वो भी है, जनरल मीटिंग पंचायत समिति का एक्स ऑफिशियल मेंबर हम लोग का एमएलए साहब भी है, पंचायत समिति मेंबर होते हैं, मेंबर प्रधान भी एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, एमपी भी होते हैं, तो एमपी हम लोग आया थी नहीं, तो लेकिन एमएलए साहब रहते हुए भी मीटिंग में अटेंड नहीं किए वो, जबकि वो उस दिन 24 तारीख को चकले में थे, अगर वो जाके वहां मीटिंग में रहकर रेजोल्यूशन में अगर वो पास कराते तो हम सोचते हैं ये इतना आदमी को लाके आज यहां पर कम से कम हेरेसमेंट तो नहीं होता, उसी दिन हो जाता जो उनका कहना था बात, रेजोल्यूशन आकर इसमें वो पहुंच जाता, लेकिन वो तो किए नहीं, उनको तो खाली दिखाना है जो मेरे पास कितना आदमी है, मेरे पास कितना आदमी, मेरे आवाज में कितना आदमी खड़ा होता है मेरे पीछे, यही यार कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग जानिए, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, आज एमएलए साहब जिस तरह से घर घर जाके गांव गांव में जाके मीटिंग किए उनका डिप्यूटेशन आदमी आने के लिए, लेकिन कितना आदमी आया आप लोग भी देखे हम लोग भी देखे, 1000 से 1200 आदमी जुमा पाए, 15 दिन से वो खट रहे हैं पूरे इलाके में, 15 दिन से खट रहे हैं, वहां 1000 से 1200 आदमी जमा कर पाए, आदमी उनके साथ हैं, आदमी समझ गए हैं जो इनका खाली बोलना ही है, बोलना आता है, उसके अलावा कुछ काम करना नहीं आता है। एक सवाल सर के, उन्होंने वहां से यह भी कहा कि एक मिर्जापुर ब्रिज की बात कही उन्होंने, और ये कहीं दूसरी ब्रिज की बात कही, 34 लाख रुपए उन्होंने अपने एमएलए फंड से दिया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार टेंडर नहीं कराती ऐसे ब्रिजों का जहां पे काम किया जाए, जब डीएम से वो रابطہ करते हैं और टेंडर की बात करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप तृणमूल में आ जाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा विधायक जी ने वहां पे खड़े होकर अनाउंस माइक पे ये बात को कहा, तो क्यों सर कितना जरूरी है आप लोगों को अली इमरान रम्स तृणमूल में आ जाए, देखिए तो क्या तृणमूल में आने के बाद ही काम होगा सर चाकुलिया में? देखिए तृणमूल में आने का टाइम उनका निकल गया, एक दिन वो हमको पूछे थे, सवाल किए थे, हम उस टाइम कांग्रेस करते थे, जिला परिषद मेंबर थे, वो हमको बोले थे जो इस तरह से हमको टीएमसी वाले बोल रहे हैं, जो टीएमसी में हमको ज्वाइन करने के लिए, और मेरे पीछे पड़ गया है, आज नहीं 2016 इलेक्शन से पहले, 2016 का इलेक्शन जो था उससे पहले हमको पूछे थे वो, तो हम बोले जो क्या क्या बात बोले वो लोग, बोले जो हमको मंत्री तो देगा कैबिनेट का, और जो बोले जो चिल्ला का क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए वो भी कर देंगे, तब हम बोले तुम क्या जवाब दियो भाई, हम लोग आप मतलब तुम में बात करते हैं हम लोग, है ना, तो बहरहाल हम बोले क्या क्या बात किया,
तो बोले जो हम बोले जो ठीक है हम सोच विचार करके बताएंगे। तो हम उनको पूछे बोले आप अगर हमसे मशवरा लेते तो हम बोले आप चले जाओ भाई टीएमसी में जाओ, अगर आपको कैबिनेट दे रहा है चले जाओ। डेवलपमेंट के बारे में अगर आ रहा है आपके बात बोलने चकलिया का, हम लोग का यहाँ बहुत डेवलपमेंट बाकी है, हम लोग का यहाँ कॉलेज नहीं है, ये बढ़िया अस्पताल नहीं है यहाँ पर। आज किशनगंज अगर अस्पताल नहीं रहता आपका एमजीएम अगर नहीं होता लाइन्स हॉस्पिटल तो हम लोग का यहाँ का गरीब आदमी जो है यहाँ जो है बहुत ये दिक्कत होता ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आपको अगर ये ऑफर दे रहा है तो मेरे ख्याल से आप चले जाओ भाई, मेरा ये सलाह है आप टीएमसी ज्वाइन कर लो। हालांकि हम उस टाइम टीएमसी नहीं कांग्रेस कर रहे थे, जिला परिषद मेंबर थे। हम लोग बोले जो हम लोग पुलिस क्यों कर रहे हैं, जो पब्लिक का काम करने के लिए, इलाका का डेवलपमेंट करने के लिए, हम लोग का डेवलपमेंट हुआ नहीं, ये मौका मिला है तुम चले जाओ भाई, तुम जाओ हम लोग भी पीछे आ जाएंगे, नहीं तो हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए कुछ नहीं। लेकिन वो नहीं गए। हमको जवाब क्या मिला जानते हैं, वो बोले जो नहीं हम क्यों जाएंगे टीएमसी में, अरे यार तुम नहीं जानते हो मेरा यहाँ तीन परिवार है। क्या परिवार? तीन परिवार है। कहां पर? तीन पश्चिम बंगाल में। एक हुआ करीम साहब चौधरी इस्लामपुर, वो एक परिवार। एक परिवार हो गया चकलिया हम लोग का रमजान साहब परिवार, रमजान अली साहब मरहूम उनका परिवार। और एक हो गया गनी खान चौधरी मालदा। ये तीन परिवार का उदाहरण हमको दिए थे। जो हम लोग अपने अपने जगह में है ये तीन परिवार, एक तो हम लोग का रॉयल परिवार है, हम लोग यहाँ से एमएलए हम जो होके आते हैं। अगर हम दूसरा पार्टी में चले तो अवाम क्या बोलेगा, बोले अवाम तुमको स्वागत करेगा, डेवलपमेंट करने डेवलपमेंट नहीं होगा तो कुछ तुमको भूल जाएगा। फिर आप देखिए करीम चौधरी साहब का, वो भी टीएमसी में आ गए, आए कि नहीं। अच्छा आपका करीम ये आपका गनीखान चौधरी का परिवार, वो लोग भी ज्यादातर हम लोग टीएमसी में आ गए हैं। क्यों आए हम लोग? डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं। हम लोग पुलिस क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए पुलिस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन वो जो डेवलपमेंट तो नहीं चाहते, खाली एमएलए बन के ना चाहते हैं। लेकिन इस बार पब्लिक जो उनको जवाब दे देगा वोट के जरिया, जो कौन यहाँ का काम चाहता है, काम को देख के ही इस बार वोट होगा हम लोग अगले विधानसभा में। जो उन्होंने ब्रिज की बात कही सर, क्या तृणमूल कांग्रेस टेंडर नहीं करने देती है? हाँ, अब रहा टेंडर डेवलपमेंट के बात, तो उनका मुंह से तो हमको लगता है आज पहले बार सुने हम डेवलपमेंट का बारे में बात बोला। आज अगर हम आप बोले हैं तो हम उनको स्वागत करते हैं जो आप कम से कम डेवलपमेंट के बारे में बात बोले। डेवलपमेंट क्या चीज है वो नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। जब जहां तक उनके बारे में डेवलपमेंट के बारे में उनका पास कुछ नहीं, उनको सवाल किया तो बोला काम करके क्या होगा मियां, उनका जवाब यह है काम करके वोट नहीं होता है, उनका जवाब यह होता है। खैर आज बोला तो कम हमको तसल्ली हुआ, जो नहीं वो भी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, वेलकम करते हैं उनको। अब देखिए टीएमसी होने के लिए आपको जो है टेंडर होगा, ऐसा तो पहले बार सुने। क्या वो विधायक है, वो एमएलए, उनका ये जो है अपना एरिया में 60 लाख रुपया सालाना उनको मिलता है अपना क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए। अब वो रुपया वो कहां खर्च करेंगे वो तय करेंगे। 8 रुपया डीएम साहब के पास आते हैं, वो आपको चिट्ठी देते जो एक दिन रिक्वेस्ट देते जो मेरा फंड काम करना है, डीएम साहब आ जाके एस्टीमेट कराएंगे इंजीनियर को देके टेंडर कराएंगे। वो काम डीएम का है टेंडर करना नहीं करना। लेकिन डीएम को तो डोरमेट बोल के गए सर कि आज दरवाजे के बाहर जो कपड़ा लटका हुआ रहता है डीएम उसी तरह से है। सरकार के पक्ष में डीएम है नहीं, मैं जब उनको बोलता हूँ टेंडर की बात तो वो भी ये कहते हैं कि आप तृणमूल में आ जाइए सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ये तो सवाल यही था। नहीं, अब डीएम साहब क्या बोले और वो क्या बोले वो दोनों ही बता पाएंगे, हम लोग तो उस टाइम है नहीं, उस समय हम लोग थे नहीं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ये वीडियो वायरल हुआ था, हम लोग प्रशांत किशोर जी एडवाइजर है अभी, किस तरह से चुनाव लाया जाएगा वो अपना एक आईपीएस टीम है उनको लेके काम कर सर्वे कर रहे हैं, कहां हम लोग का टीएमसी का कितना वोटर्स क्या है, वहां का आवाम क्या चॉइस है, ये सब उन लोगों का काम है, उनका काम है। कुछ दिन पहले देखे थे जो वो ना के प्रशांत किशोर जी ना के उसको बोले ऑफर किए थे आ जाओ टीएमसी में, और तीन जो है क्या कहते हैं मिनिस्ट्री है वो तीन में से किसको आपको पसंद है वो चुनिए। लेकिन बाद में खंडन किया कौन, वो प्रशांत किशोर जी, जो ऐसा कोई मीटिंग मेरे साथ हुआ ही नहीं, ऐसा कोई बात मेरे साथ हुआ ही नहीं। हाँ, हम भीतर से जो जानकारी हमको मिला उनकी बीबी, जानकारी जो मिला कहां तक सच्चाई हमको इतना मालूम नहीं, फिर हम बोलते हैं उनकी बीबी प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा फैन है, प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा फैन, उनका बीबी कौन एमएलए सर का बीबी, वो जिस होटल में रहते हैं प्रशांत किशोर जी, जिस होटल में रहते हैं वहां पर लोग गए थे उससे मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए गए थे जिस होटल के बाद 5 तरह होटल के बाद बोले थे 5 स्टार होटल, उसी होटल में प्रशांत किशोर जी रहते हैं, समझे कि नहीं। वहां मिलने के लिए गए थे, वहां मिलने के बाद गपशप हुआ, चाय पिया, पीने के बाद बोले जो हम क्या करेंगे, कौन सवाल किया प्रशांत किशोर जी से, एमएलए साहब ने सवाल किया जो हम क्या करेंगे, तो प्रशांत किशोर जी बोले अभी टीएमसी का यह है, ममता बनर्जी का जो काम है इस काम में पब्लिक पूरा टीएमसी का साथ दे रहा है, ममता बनर्जी का साथ दे रहा है। अब देखो भाई आप तो एमएलए हो बामफ्रंट का, तुम आप तय करो जो क्या करोगे, नहीं मेरा बात नहीं है। लेकिन टीएमसी इस बार
फिर बहुत सीट लेके मिनिस्ट्री बनाएगा, पश्चिम बंगाल में हुकूमत में आएगा। ये बात हुई थी उस दिन, वो सवाल कहते वो मिलने के लिए गए थे, उनकी बीबी उनका फैन है बहुत बड़ा। अच्छा, जहाँ तक बात प्रशांत किशोर की हो रही है, तो ये कहा जाता है कि यही प्रशांत किशोर 2013 में भाजपा के साथ मिलके सरकार बनाया था, उसी को ही दीदी ने हायर किया है। तो क्या मतलब दीदी भी भाजपा के ही एक रास्ते पे चलना चाह रही है, इस चीज को लेकर के भी एक सवाल खड़ा होता है। 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा भी उन्होंने कहा। सुनिए, अब देखिए बीजेपी, ये हमको जितना दूर जानकारी है, प्रशांत किशोर जी वो है आपका निर्वाचन इलेक्शन, ठीक है, किस तरह से लड़ा जाता है, किस तरह से आदमी को ये करना जाता है, कैंपेनिंग किस तरह से करना होगा, ये तय करते हैं, ये तय करते हैं। अब ये तो उनका प्रोफेशन है, कल वो तो क्या कहते हैं बीजेपी का किए थे, उसके बाद आपका जेडीयू का किशन में, सॉरी बिहार में किए थे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी किए थे। अगर हम लोग सब कोई किए तो अच्छा है, अगर हम लोग अगर पश्चिम बंगाल में करते हम लोग क्या खराब हो गए हैं? हमको तो यही पता चलता है, जो ममता जी जो भी कर रहे हैं वो खराब है और बाकी जो लोग कर रहे हैं तो वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी जो कर रहे हैं चुनाव कौशल वो ठीक कर रहे हैं, किस तरह से कैंपेनिंग किया जाएगा। खट तो हम लोग हैं भाई, हम लोग टीएमसी वर्कर्स जो हम लोग खट रहे हैं, हम लोग पब्लिक के साथ हम लोग हैं। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बाहर बंगाल के बाहर दीदी को जो है देखा जाता है, या फिर उनका नाम कहा था कि ये ममता बेगम है ये ममता बनर्जी नहीं है, तो इस चीज का मतलब कहने का ये है कि वो बंगाल में जो है मुस्लिम अपीजमेंट का पॉलिटिक्स करती है, सियासत करती है कि मुसलमानों को रुझाने का, तो इस चीज में कितनी सच्चाई है? और दूसरी बात ये है कि अभी जो स्टेट का जो लिस्ट आया, जिसमें जो कोऑर्डिनेटर्स और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का लिस्ट आया, उसमें मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत कम देखा गया। तो जहां एक तरफ बाहर उनको ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों को ज्यादा फेवर करती है, लेकिन यहाँ पे फिर देखा जाता है कि पार्टी में जो उनके ओहदे में लोग हैं वो बहुत कम है, तो इन इन दोनों बातों पर आपका क्या, आपकी क्या राय है? देखिए मेरे ये इसमें मेरे एक ही जवाब है मेरा, ममता बनर्जी वो एक इंसान है, वो इंसान के लिए काम कर रहे हैं, अवाम के लिए काम कर रही हैं, वो ना मुस्लिम ना हिंदू ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सब कोई पश्चिम बंगाल में जितना बंगाली है, हम लोग जितना बंगाली हम लोग सबके लिए वो सोचते हैं। आज देखिए राशन क्या हिंदू को दे रहे हैं खाली, ना मुसलमान को खाली दे रहे हैं, सबको मिल रहा है। स्कूल में बच्चा सबको साइकिल दे रहा है गवर्नमेंट हम लोग का, क्या वो क्या जात दे के दे रहा है या पार्टी दे के दे रहा है? क्या नहीं, जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है उसी को मिलता है। कन्याश्री किसको मिलता है? खाली क्या मुस्लिम को मिल रहा है या हिंदू भाई बहनों को मिल रहा है? नहीं तो सबको मिल रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहे वो सबको मिल रहा है। यहाँ जात पात का क्या बात हो गया भाई? हम लोग जात पात का कार्ड नहीं खेल रहे हैं, हम लोग धर्म के नाम से राजनीति नहीं कर रहे हैं, जात का नाम से हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग भात का राजनीति कर रहे हैं। अवाम का पेट में किस तरह से भात दिया जाए, उसको कैसे काम दिया जाए, ये लोग इसके लिए हम लोग टीएमसी काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।